हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ओके व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन एट द बाउंड्री डायरेक्शन ऑफ लाइट इज चेंज दिस फिनोमिन इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एट दी बाउंड्री उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाती है इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं रिफ्रैक्शन इसको रे डायग्राम से समझते हैं एक सबसे पहले बाउंड्री सर्फेस बनाते हैं जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है मीडियम वन और मीडियम टू को ओके एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं इस बाउंड्री सर्फेस पर ये हमारी इंसिडेंट लाइट है तो जिस जा, पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पर हमको एक नॉर्मल ड्रॉ करना होता है ओके एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये अपने पाथ को चेंज कर लेगी या तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल ओके अपने ओरिजिनल पाथ में नहीं जाती है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है एंड एंगल एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ओके ओरिजिनल पाथ इसका कुछ इस तरह से होना चाहिए था बट ऐसा नहीं हुआ या तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल लाइट का टुवर्ड्स दी नॉर्मल या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होना डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर ओके okay? तो नेक्स्ट इसके बाद हम टॉपिक डिस्कस करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाउ वी विल डिस्कस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पर ओके okay. ज़्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी के इक्विवेलेंट है बट ऐसा नहीं होता है ठीक है जो मीडियम की मास डेंसिटी है वो अलग होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी अलग होती है ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है देखो जब कोई भी लाइट किसी मीडियम से पास होती है तो उस मीडियम में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करेंगे उस एनर्जी को लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ओके okay? एब्जॉर्ब करने के बाद वो इमिट करेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ओके दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एबजॉर्ब करेगा फिर दोबारा एनर्जी को क्या करेगा इमिट करेगा तो इस तरह से प्रॉपगेशन ऑफ लाइट होता है मीडियम के अंदर तो जो मीडियम जिस मीडियम के इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा टाइम लेते हैं एनर्जी ट्रांसमिशन में एनर्जी इमिशन में ओके okay? एब्जॉर्ब करने के बाद इमिशन करने में दूसरे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देने में ज़्यादा टाइम लेते हैं उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है और जो कम टाइम लेते हैं उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है ओके तो इस तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करती है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है यानी कि, कि किसी मीडियम की अगर ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है जिस मीडियम का उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ओके तो ये रिलेशन याद रखना है आपको ऑप्टिकल डेंसिटी अगर हाई है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हाई है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है ओके तो यहाँ पे ये पॉइंट भी भी लिखा भी है देखो ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी बोथ आर डिफरेंट टर्म एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को ठीक है एक एग्जाम्पल टर्पेंटीन और वाटर टर्पेंटीन और वाटर की अगर बात करें तो मास डेंसिटी टर्पेंटीन की कम होती है और वाटर की ज्यादा होती है यानी कि वाटर जो होता है ज्यादा भारी होता है और टर्पेटीन थोड़ा कम भारी होता है एज कम्पेयर टू वाटर बट ऑप्टिकल डेंसिटी टर्पेटीन की ज़्यादा होती है और ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर की एज़ कम्पेयर टू टर्पेटीन कम होती है ओके यानी कि लाइट की जो स्पीड है लाइट की जो स्पीड है टर्पेटीन में कम होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर क्योंकि मैंने बताया था ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी क्योंकि टर्पट्टीन टर्पेंटीन की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है इसलिए उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू टर्पेंटीन इसलिए इसमें वेलोसिटी ज़्यादा होगी ओके एज कम्पेयर टू टर्पेंटीन तो इस तरह से हमने देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो किस तरह से ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है ओके okay? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप का होता है एक होता है एप्सोल्यूट एप्सल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके तो आगे हम देखते हैं वट इज रिफ्रैक्टिव एप्सोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वट इज़ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एप्सुलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके किसी भी मीडियम का किसी भी मीडियम का अगर हम लाइट से कंपेयर करते हैं ठीक है ना किसी भी मीडियम का अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करते हैं स्पीड तो उसको हम कहते हैं एप्सुलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एप्सुलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट

थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दावर एट हमने लाइट की डेफिनेशन में बताया था ठीक है और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम की बात करेंगे तो वो भी कितना आएगा थ्री इंटू टेन रेस्ट टू दी एट ओके तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम वन होता है अगर बात करें एयर की तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन पॉइंट जीरो 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 टू सेवन होता है तो इसको नियरली इक्वल मान लेते हैं हम वन के बराबर ठीक है तो कई बार न्यूमेरिकल पर्पज में हम एब्सुलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वो वन ही मान लेते हैं ठीक है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एब्सोलूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास जो होता है वो थ्री बाई टू होता है ओके एंड एब्सोलूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये फोर बाई थ्री होता है ओके नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जब हम किसी मीडियम का जब हम किसी मीडियम का रिलेट रिले, रिले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं तो हम उसको कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओके एब्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था हम वैक्यूम के ठीक है वैक्यूम के रिलेटिव निकाल रहे थे वैक्यूम के कंपेयर में निकाल रहे थे रिलेटिव इंडेक्स और यहाँ पे क्या होता है किसी मीडियम का किसी दूसरे मीडियम के रिलेटिव हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं ओके okay? तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एन मीडियम ओके इसको डिनोट करने का जो सिंबल है वो क्या है देखो म्यू टू वन और म्यू टू वन या फिर वन म्यू टू इसका मतलब क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन याद रखना है सिंबल म्यू टू वन इसका मीन्स होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन ओके या फिर इसको म्यू वन म्यू टू से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है दोनों ही तरीके सही हैं ओके okay? तो म्यू टू वन इसका फॉर्मूला होता है म्यू टू अपॉन म्यू वन ओके okay? म्यू टू अपॉन म्यू वन अब म्यू टू की वैल्यू कितनी होती है सी अपॉन वी टू और म्यू वन की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन वी वन ओके ये कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा जो फॉर्मूला बचेगा बनेगा वो आएगा वन अपॉन वी टू ओके तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू ओके हमको पता है जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ से एक रिलेशन होता है वेलोसिटी ऑफ वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू न्यू लेमडा ओके क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है ओके okay? तो हम वी वन क्या कह सकते हैं वी वन इज इक्वल टू न्यू लेमडा वन एंड वी टू इज इक्वल टू कह लिख सकते हैं न्यू लेमडा टू ओके तो यहाँ से जब हम वी वन और वी टू की वैल्यू रखेंगे न्यू लेमडा वन एंड न्यू लेमडा टू तो हमारा एक नया फॉर्मूला आ जाएगा लेमडा वन अपॉन लेमडा टू तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन वन इज इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू ओके तो ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ओके। okay? तो ये हम पे टर्म लिखा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू एब्सुलट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एप्सुलट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ओके अभी बताया था मैंने एब्सुलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होता है थ्री बाई टू ओके एंड एब्सोलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है फोर बाई थ्री तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा नाइन बाई एट ओके तो इस टैप से फाइंड करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेशन इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहते हैं इसको ये जो लिखा है यहाँ पे ठीक है ये जो फॉर्मुला लिखा है म्यू टू वन इज इक्वल टू वन अपॉन म्यू वन टू ओके इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं जैसे मैं भी लिख रहा हूँ म्यू वन टू इंटू म्यू टू वन इज इक्वल टू वन ओके ये भी प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है यानी कि अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर पता है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या करेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे ओके okay? एक ऐसी एक रिलेशन और है ठीक है म्यू थ्री टू इज इक्वल टू म्यू थ्री वन इंटू म्यू वन टू ओके म्यू थ्री टू को हम लिख सकते हैं म्यू थ्री वन इंटू म्यू वन टू अगर हमारे पास तीन मीडियम है तो हम एक रिलेशन यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास तीन मीडियम है और उनका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन निकालना है तो हम ये फार्मुला यूज़ कर सकते हैं म्यू थ्री टू इज़ इक्वल टू म्यू थ्री वन इंटू म्यू वन टू नोमेरिकल पर्पज़ से हेल्पफुल रहता है ये फॉर्मुला इसमें एक पॉइंट और याद रखने वाली बात है जो एब्सुलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है एपसोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ठीक है उसकी वैल्यू ठीक है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होती है वन ठीक है कम से कम वन होगी या तो उससे ज़्यादा होगी ठीक है एब्सोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कभी भी वन से कम नहीं होती है या तो वन के बराबर होगी या तो वन से ज़्यादा होगी ठीक है लेकिन जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू वन से कम भी हो सकती है ठीक है ये पॉइंट याद रखना है एम सी क्यू क्वेश्चन इसके कई बार बन जाते हैं ठीक है इसमें लास्ट पॉइंट है बोथ रेयरर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म कोई भी मीडियम ठीक है डेंसर है या रेयरर ये डिपेंड करता है कि उसके साथ दूसरा मीडियम कौन सा है यानी कि जरूरी नहीं है कि कोई मीडियम रेयरर है ऑलवेज या फिर कोई मीडियम डेंसर है ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर ठीक है कि दूसरा मीडियम कौन सा है दो पेयर दो मीडियम्स का जब हमारे पास पेयर होता है तो उसमें हम एक को डेंसर कहते हैं और एक को रेयरर ठीक है ऐसा नहीं कि कोई मीडियम ऑलवेज डेंसर रहता है या कोई मीडियम ऑलवेज रेयर तो ये याद रखना है पॉइंट बोथ रेयर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म नाउ वी विल डिस्कस बैंडिंग ऑफ रेज अभी हमने जो बताया था कि रिफ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? कि टूवर्ड्स दी नॉर्मल भी हो जाता है या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं ओके तो यहाँ पे एक इंटरफेस बनाते हैं एक इंटरफेस है ये जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है पहला केस क्या है वन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम तो ऊपर वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर ले लेते ले हैं और दूसरे वाले का म्यू डी ले लेते हैं यानी कि जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है ठीक है एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं इंसिडेंट लाइट ठीक है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई एंगल हो गया क्योंकि जो लाइट रे है वो रेयर से डेंसर में जा रही है ठीक है तो ऐसी कंडीशन में टूवर्स दी नॉर्मल हो जाती है टूवर्स दी नॉर्मल हो जाती है ठीक है हमारा हो जाएगा आर ओके दूसरा केस है वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर डेंसर टू रेयर डेंसर टू रेयर बना देते हैं इसका नीचे ही डेंसर है और ऊपर रेयरर ठीक है लाइट रे डेंसर से रेयर में जब जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल ठीक है अवे फ्रॉम नॉर्मल एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस तो एंगल आई यहाँ पे हो जाएगा और एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो यहाँ पे आर हो जाएगा ठीक है कुछ रिलेशन हैं जैसे उसको हमें करना है क्या क्या है देखो म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर ठीक है ये रिलेशन होता है हमारा स्नेल्स लॉ यूज करने के बाद आता है म्यू आर इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू डी इंटू साइन आर तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू कितनी आएगी साइन आई अपॉन साइन आर इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी म्यू डी अपॉन म्यू आर ओके तो ये रिलेशन हम यूज कर सकते हैं स्नेल स्लॉ की तरह साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू डी अपॉन म्यू आर इनकेस वेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम ओके दूसरा केस है वैन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डैंसर टू रेरर मीडियम ठीक है अगर डेंसर से रेरर में जा रही है अगर डेंसर से रेरर में जा रही है मैं इसको दोबारा बना देता हूँ इसका रे डाइग्राम वैन लाइट ट्रेवल्स फ्राम डैसर टू रेयर ओके तो ये हो जाएगा एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसीडेंट रे इस कॉल्ड एंगल ऑफ इंसीडेंस एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है तो ये हो जाएगा म्यू डी इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का रिफ्कटिव इंडेक्स म्यू डी और रेडर मीडियम का म्यू आर ठीक है तो इसमें भी अगर हम स्नेसा यूज करते हैं इसमें भी स्नेस लॉ यूज़ करते हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो हो जाएगा हमारे पास म्यू डी इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू आर इंटू साइन आर ओके okay, तो यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो आएगी हमारे पास साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर अपॉन म्यू डी ओके तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम ओके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं ठीक है उनको भी देख लेते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज फ्रिक्वेंसी रिमेंस अनचेंज जो लाइट की फ्रिक्वेंसी है वो अनचेंज रहती है अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है वैलुस्टी चेंज होती है वेब चेंज होती है और उसका फॉर्मुला भी हमने बताया था ठीक है म्यू टू वन इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन ओके और फिर इसकी बेसिस पे हमने बताया था वेलोस्टी का फॉर्मूला वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू लेमडा वन अपॉन लेमडा टू यानी कि वेलोस्टी चेंज होती है लाइट की एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर वेब चेंज होती है लेकिन फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती ओके सेकेंड पॉइंट स्पीड एंड वेब आर चेंज एंड थर्ड इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑल्सो चेंज लाइट की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है एक मीडियम से या कम ज़्यादा हो जाती है एम्बलेट भी कम ज़्यादा हो जाता है ठीक है सिर्फ क्या चीज़ कॉन्सेंट रहती है फ्रिक्वेंसी ओके तो ये चीज़ याद रखनी है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए थैंक यू